नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। तो इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे लास्ट माइलस्टोन फॉर फिजिक्स रिवीजन कम प्रैक्टिस बैच व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट टुडे एट 7:15 PM। क्या है इसके अंदर, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे आपकी हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, सारी बातों को एक बार इसमें हम जान लेते हैं। सो दिस इज अ न्यू कोर्स विच इज गोइंग टू स्टार्ट टूडे एट 7:15 PM। अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो आप इसको क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी इस तरीके का कंप्लीट बैच आपको आपके एग्जाम तक नहीं आने वाला है। तो एक लास्ट माइलस्टोन है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को करने के लिए। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो भी आप इस बैच को फॉलो करके बहुत अच्छा कर सकते हो। मतलब अभी तक आपने स्टार्ट ही नहीं किया है या फिजिक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। या वो बच्चे जो अपना रिवीजन करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा है फिजिक्स को कहीं से भी, चाहे उन्होंने मेरे से पढ़ा है या कहीं और जगह से पढ़ा है, वो चाहते हैं कि हम एक बार एनडीए के अकॉर्डिंगली फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या है इस बैच को फॉलो कर सकते हो। चलिए इस बैच के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कब कैसे स्टार्ट होगा, क्या क्या इसमें होगा, एक बार हम जान लेते हैं। सबसे पहले इस बैच की टाइमिंग क्या होगी। इस बैच की टाइमिंग है आपकी 7:15 PM टू 8:45 PM। ओके, इसका जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का है, यानी कि 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, जिसमें 5 मिनट इंट्रोडक्टिव सेशन होगा और 1 घंटा 20 मिनट आपकी क्या होगी, क्लास होगी, और लास्ट के 5 मिनट्स आपके जो डाउट्स वगैरह हैं ओवर द कॉल वो आपके लिए जाएंगे। तो 90 मिनट्स का क्या होगा इसमें सेशन होगा। मंडे टू फ्राइडे आपकी इसमें क्लासेस होंगी और सैटरडे आपका क्या होगा, या तो टेस्ट होगा या फिर आपका रिवीजन क्लास होगी। ओके, तो मंडे टू फ्राइडे आपकी ये थ्योरी चलेगी। ये आपको कहाँ पे मिलेगा या किस बैच में मिलेगा, तो बेसिकली ये 2 बैचेस में आपको कोर्स मिलेगा। आप इसके लिए रणभूमि रणभूमि 2.0 को भी फॉलो कर सकते हैं और आप इसके लिए अग्नि 2.0 को भी क्या है फॉलो कर सकते हैं। दोनों में ही ये फिजिक्स का कोर्स आपको मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी भी एक बैच को एनरोल करके आप क्या है इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इस बैच के लिंक्स के लिए या फिर इस कोर्स के लिंक के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक आपके लिए डाल देता हूँ, वहाँ लिंक से जाके आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। तो इसकी क्लास हम आज से शुरू कर रहे हैं। ओके, यानी कि आज 5 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है और बेसिकली ये आपका कब तक जाएगा, 17 मार्च तक ही आपका बैच चलेगा। ओके, विद इन 30 to 40 क्लासेस वी विल कंप्लीट ऑल द फिजिक्स दैट इज मोर देन एनफ फॉर योर एनडी एग्जामिनेशन। और एक उस तरीके से, उस पैटर्न से हम इसको लेकर चलेंगे जैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे हम चलेंगे, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने एग्जाम में बेस्ट दे सकते हैं। यहाँ से करके आप फिजिक्स में आराम से 80+ मार्क्स ला सकते हैं। मैंने कहता है कि आप 100 में से 100 लाओ। ओके, बिकॉज वो उसके लिए आप मेरे से ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सारी चीजों को रिमाइंड करना, हर एक एक क्वेश्चंस के लिए काम करना। तो आउट ऑफ 100 में से 100 मैं कभी कहता भी नहीं हूँ, लेकिन वो है कि पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। लेकिन आप फिजिक्स में 80+ नंबर आप आराम से ला सकते हो, ये मैं आराम से आपको कह सकता हूँ। ठीक है, मतलब 25 में से 20 क्वेश्चन तक आप आराम से सही कर सकते हो। करने वाले बच्चे 22, 23, 24 तक वो सही कर लेते हैं फिजिक्स के अंदर। ओके, तो ये बैच आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये लास्ट बैच है, क्योंकि इसके बाद कोई कंप्लीट बैच ऐसा नहीं आएगा, बिल्कुल न्यू है, फ्रेश है। ठीक है, और इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें आपको DPPs भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है, जितने भी होंगे। तो इस बैच के एंड में या स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की क्लास में या एंड की क्लास में, एंड में हम क्या है DPPs को डिस्कस कर लेंगे। इसके अलोंग विद आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, जिस प्रैक्टिस को भी क्या करना है आपको फॉलो करना है। ओके, ये नहीं है कि प्रैक्टिस में गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में आपको प्रैक्टिस भी करते हुए चलना है। और बाद में PYQ सेशन भी लगाता हूँ, तो PYQ सेशन भी आपको क्या है करने पड़ेंगे। आपको यहाँ से क्या है पैरेलली चीजों को चलाना है, मतलब आप अपने फिजिक्स की थ्योरी को पढ़ते रहिए, एक तरफ आप क्वेश्चंस को करते रहिए। हालांकि जैसे आपका फिजिक्स चलेगा, आपको DPPs जो मिलेंगी वो टॉपिक वाइज मिलेंगी, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज होती हैं, तो आपको चीजें क्या है समझ में आती रहेंगी। ओके,
तो इतना काम कर लीजिएगा, आपको अभी भी 60 डेज में आप बहुत बेस्ट कर सकते हैं। मतलब आज से ही आप रेगुलर और सिंसियर हो जाते हैं तो आप कर सकते हैं। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं, इट विल गिव्स यू द 10% ऑफ। आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो बस जाके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, ओके, वहां से आप एनरोल करके आज 7:15 पे अपनी क्लास में आप आ सकते हैं, ओके। इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने रगड़ा भी स्टार्ट किया है, और ये जो रगड़ा सीरीज है ये फिजिक्स से ही स्टार्ट की है, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है, आप एक तरफ थ्योरी के बैच को चलने दीजिए, दूसरी तरफ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। यानी कि जो रगड़ा सेशन चल रहा है उसको आप अटेंड करते रहिएगा। लास्ट में आप लोगों के लिए हम एक काम करेंगे कि इस रगड़े का मैं आपको मैराथन दे दूंगा, यानी कि वन शॉट रिवीजन आपको दे दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको एक बार आपके कोर्स खत्म होने पे आपको चीजें रिवाइज हो जाएंगी। देखो दो थ्योरी होती है, एक होता है कि आप थ्योरी से क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच करते हैं, ओके, तो वो टाइम थोड़ा सा अब निकल चुका है। आपको जो अप्रोच करना है क्वेश्चन से थ्योरी को अप्रोच करना है, यानी कि साथ में क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों ही चीजों को आपको क्या है साथ में लेके चलना है, ओके। तो आपका भी क्या हो जाएगा, विद इन द टाइम सारी चीजें आपके हाथों में हो जाएंगी, ओके। रगड़ा लगाओ, बिकॉज जितना रगड़ा उतना ही तगड़ा। ये रगड़ा आपको अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में मिलेगा, जहां से आप इसको क्या है फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्रोफाइल पे जाके इनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, जिनको आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ओके। उसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने इसी YouTube चैनल पे 3 वीडियोस आपके लिए अपलोड की हैं, दैट इज अपडेटेड सिलेबस ऑफ फिजिक्स, अपडेटेड सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री एंड अपडेटेड सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। ये तीनों वीडियोस आप थोड़ा टाइम निकाल के देख लीजिएगा, 7 से 8 मिनट की वीडियोस हैं, तो आपको एक और विजन क्लियर हो जाएगा कि आपको साइंस के अंदर पढ़ना क्या है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, ओके। ये तीनों अपडेटेड सिलेबस हैं फिजिक्स के, बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के, जिनको आप देख सकते हैं। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी ही आज शाम 7:15 पे अपनी क्लास में, ठीक है। आओ देखो और अपने अंदर चेंज महसूस करोगे आप विद इन 10 डेज, ओके। सो गाइज जय हिंद जय भारत।